वेलकम टू माय चैनल टीसीडी द कुकिंग डायरीज। आज आपको बता रही हूँ मैं तवा सब्जी या तवा भाजी शादियों वाली, इसको मिक्स करके बनाऊंगी। अलग अलग नहीं बनाऊंगी, वह तो शादियों में तो ऐसा होता तवे पे रखकर अलग अलग आपको जो भी सब्जी चाहिए वो आपको मसाले में फ्राई करके देते हैं। मैं घर के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए आपको घर के हिसाब से बनाती हूँ। मैंने आलू और अरबी, करेले, बैंगन, भिंडी ली हैं। आप चाहें तो और भी दूसरी सब्जी हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले करेले लूँगी। करेले को काट कर इसके बीज निकाल लूँगी अच्छे से। मैंने करेले काट लिए हैं, उसमें हल्दी और नमक लगाकर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। पहले मैंने करेले काटे, नमक थोड़ा ज़्यादा डाला है मैंने इसमें। जब तक मैं बाकी की जो सब्जियां हैं वो कट करके रख लेती हूँ, फिर बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। देखिए, अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें तेल गरम करने के लिए रख दिया। जो सब्जी मैंने काट के रखी है उसको एक एक करके डाल के उसको फ्राई कर लेंगे। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अरबी और आलू को मैं एक साथ डाल देती हूँ, क्योंकि दोनों इतना ही टाइम लेते हैं फ्राई होने में। हाई फ्लेम पर जो है हम आलू और अरबी को फ्राई करेंगे। अरबी और आलू फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेती हूँ। एक साथ ये गल भी गए हैं, देखिए आप इसको प्रेस करके देखिए, देखिए दोनों चीज़ें गल गई हैं। इसमें बैंगन डाल देंगे। बैंगन को मैंने पानी में करके रखा था ताकि वो काले नहीं हो। देखिए बैंगन भी हमारे फ्राई हो गए हैं। इस तरह से मैं सारी सब्जियों को फ्राई कर लूँगी। अब भिंडी डाल दूँगी। सब सब्जी मैंने जो है फ्राई करके रख ली। अब क्या करना है, एक आधा चम्मच से भी कम मैंने लाल मिर्च ली, उसमें आधा चम्मच जो है नमक डालेंगे और एक चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो मसाला है ये सब सब्जियों पे छिड़क देंगे। सब्जियों को एक साइड कर देंगे। अब ये जो पैन है इसमें तेल ज़्यादा है, इसका तेल थोड़ा कम कर लेते हैं। इसमें एक तेज पत्ता डाल देंगे, इसमें जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे इसमें। इसी के साथ इसमें डाल देंगे प्याज जो मैंने काट के रखी है, दो प्याज है तो बारीक चॉप किया है, नमक ताकि प्याज जो है हमारी जल्दी से फ्राई हो जाए। प्याज हमारी जो है ब्राउन हो गई है, जिससे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे एक चम्मच, उसको भी डाल के अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन भुन गया है और इसमें मैंने दो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे। भून गए और इसमें मसाले डाल देंगे, सूखी जो लिए थे आधा चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च है वो डाल देंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर है वो डाल देंगे, जिससे आधा चम्मच से हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ, आधा चम्मच इसमें डालेंगे जीरा पाउडर पिसा हुआ, भुना हुआ जीरा है। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच सौंफ पिसी हुई, सौंफ से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। पानी डालने से इसका मसाला भुनी है, मसाला जो हमारा भुन गया है। अब इसमें कसूरी मेथी ली है मैंने एक चम्मच, वो डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिलाकर इसमें भून लेंगे एक आधे मिनट के लिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। सब्जी है वो उसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो एक जो भी कोई सब्जी खाए तो, अगर किसी को बैंगन चाहिए तो बैंगन मिला लें, एक मसाले एक साइड कर दें, थोड़े मसाले लेकर
इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ये बैंगन की सब्जी तैयार हो गई। इसी तरह से ये आलू और अरबी भिंडी सभी सब्जियां डाल दूंगी। ये देखिए सब्जियों सब कुछ मिक्स कर रही है। ये हमारी तवा सब्जी मिक्स तवा सब्जी रेडी है। फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।